सो ए वेल, मेरा नाम है दर्शन और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सर्कस के ट्रेलर को। वेल, बात करूँ इस ट्रेलर के बारे में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। एंड मैं बात करूँ इस ट्रेलर के बारे में तो भाई मैं सिर्फ एक ही शब्द में कहूँगा, इट्स माइंड ब्लोइंग। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि भाई ये भले ही रीमेक है, मुझे पता है कि ये फिल्म रीमेक है, ये फिल्म अंगूर का रीमेक है और अंगूर इटसेल्फ रीमेक है 2 दुनी 4 का। और 2 दुनी 4 भी रीमेक है विलियम शेक्सपियर के एक प्ले का जो कि था आई गेस द कॉमेडी ऑफ एक्सप्रेस। सो हाँ, ये बॉलीवुड के बॉलीवुड का रीमेक ही है, मतलब बॉलीवुड में ही सारे रीमेक्स बने आए दो। लेकिन हाँ, ये पहली बार है जो किसी साउथ का या हॉलीवुड का रीमेक नहीं है, ये बॉलीवुड फिल्म का ही रीमेक बन रहा है। लेकिन इस फिल्म के बारे में कहूँ तो इस फिल्म को डायरेक्ट करा है रोहित शेट्टी ने। और ऑब्वियसली मैं इसको बिल्कुल भी जज नहीं करने वाला क्योंकि रोहित शेट्टी ने इससे पहले भी गोलमाल सीरीज बनाई है एंड ऑब्वियसली इट्स अ मेमोरी फॉर अस। गोलमाल सीरीज ये हमारे लिए एक मेमोरी रही है। तो मैं भाई रोहित शेट्टी के डायरेक्शन को एंड उसके कॉमेडी फिल्म्स को, कॉमिक फिल्म्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस फिल्म के कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि रोहित शेट्टी ने जिनके साथ भी पहले काम किया है उन्हीं को लेकर इसने फिल्म बनाई है। तो ये एक चीज़ है रोहित शेट्टी की कि वो भाई एक बार उसने जिसके साथ काम किया वो उसी को अपनी फिल्म में लेता है। और एक चीज़ यहाँ पे है कि भाई जो एक्टर्स इसमें हैं टॉप नॉच है भाई, सबके सब टॉप के एक्टर्स है, कॉमेडियंस, बेस्ट कॉमेडियंस आई कह सकते हो, टॉप के कॉमेडियंस। जॉनी लीवर है, संजय मिश्रा है, अपने वसूली भाई है, तो सबके सब टॉप एक्टर्स है, सिर्फ एक को छोड़ के वो है जैकलिन फर्नांडिस। मुझे पता नहीं उसको क्यों लिया है भाई, उसको छोड़ो, एक हद तक पूजा हेगड़े भी ठीक है लेकिन ये जैकलिन फर्नांडिस को भाई क्यों लिया मुझे पता नहीं। भाई रोहित शेट्टी उसका हटा दो, वरना उसे वो एक ही है रीजन जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। बाकी पता पता नहीं, नहीं बात तो दीपिका पादुकोण का एक गेस्ट अपियरेंस है इसमें और अजय देवगन का भी। अजय देवगन का जो गोलमाल सीरीज, जो आइकॉनिक गोलमाल सीरीज जो है, इसका कहीं ना कहीं एक रेफरेंस इसके ट्रेलर में हमने लास्ट में देखा है। सो ऑब्वियसली इस फिल्म को मैं लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। बेसिकली इस फिल्म की ट्रेलर को देखकर ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो कुछ डबल रोल टाइप है और उसी के वजह से कॉमेडी वगैरह होने वाली है। सो भाई वैसे तो मज़ा आने वाला है, थोड़ा पुराने ज़माने वाला लुक दिया गया है। सो मैं बहुत ही एंजॉय करने वाला हूँ, थोड़ा ऐसे ओल्ड इज गोल्ड, थोड़ा रेट्रो फील आने वाला है मैं कहूँगा। तो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। आपको सर्कस के बारे में क्या लगता है, आपको ओवरऑल रोहित शेट्टी जो कॉमेडी फिल्म्स बनाते हैं उसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में बता दो। एंड आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हो, आप इस फिल्म को कितनी रेटिंग दोगे ये मुझे कमेंट में बता दो। वेल बाय बाय।